अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे जीनोम का कुछ स्पेशल पार्ट ऑफ डीएनए होता है, हमारे से मेरी मुराद है ऑल लाइफ फॉर्म जो है कि जीनोम पर कुछ स्पेशल डीएनए का पार्ट होता है जो रिपीट हो रहा होता है। तो आज हमने देखना है कि वो रिपीटेड डीएनए जो है वो क्या होता है, उसकी कौन सी कैटेगरीज हैं, और दूसरी बात ये कि हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन स्टडीइंग द एवोल्यूशन। लेट मी रेफर यू टू द सम प्रीवियस लेक्चर्स जिसमें हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी यूज टू कंस्ट्रक्ट द फाइलोजेनेटिक ट्री। उसमें से मैंने बात की थी कि कुछ स्पेशल मार्कर सीक्वेंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए, और उन मार्कर जो सीक्वेंस थे उसमें एक स्लाइड आई थी रेपिटेटिव डीएनए। तो रेपिटेटिव डीएनए जो है उसी को बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि वो क्या होते हैं। दे सेपरेटली सेंट मी व्हाट्सएप नोट्स, वन ऑफ देम इज वाज वेरी इंथ्यूजियास्टिक, तो इन रिस्पांस टू स्पेशली हिज क्वेश्चंस आई थॉट कि बाकी लोगों के माइंड में भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस सेक्शन। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग दैट यू मस्ट हैव लर्न दिस इन योर प्रीवियस कोर्स, इन द कोर्स यू ऑलरेडी स्टडी द मोलेक्युलर बायोलॉजी, लेकिन आई वॉज टोल्ड दैट यू डिड नॉट स्टडी दिस टॉपिक इन दैट कोर्स। एनी वे, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू के जो हमारी जीनोम है इसमें दो किस्म का डीएनए है, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं रिपीटेड डीएनए और एक को हम कहते हैं नॉन रिपीटेड डीएनए। तो रिपीटेड और नॉन रिपीटेड डीएनए क्या होता है और उसके क्या फंक्शंस हैं और किस बुनियाद पर हम उसको रिपीटेड और नॉन रिपीटेड कहते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्पेशली उसकी इंपॉर्टेंस विद रेफरेंस टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, हम उसको देखते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा ये एक स्लाइड है इसको देखें। इसमें ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये बड़ा खूबसूरत ग्राफ है, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन आपको या आई मीन इफ समबडी हु इज who does not know the property of the DNA, तो उसको शायद ये कर्व सी लगे meaningless, but ये बहुत ही interesting कर्व है। As you know कि जो DNA होता है हम इसको when we heat it up to 94-95 degrees C तो ये denature हो जाता है। denature से मुराद ही होती है कि जो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, राइट। उसके बाद जब हम उसको कूल करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, तो वो दोबारा से आपस में अनील होना शुरू हो जाता है। अनीलिंग या उसको हम रीनेचुरेशन भी कहते हैं, ये एक स्पेसिफिक टर्म है मोलेकुलर बायोलॉजी की। इसका मतलब होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं वो सीक्वेंस स्पेसिफिकली एक दूसरे के आमने सामने उसी तरह वापस, यानी वन इज सेंस अनदर इज द एंटी सेंस, मीन्स एक 5-3 और दूसरा 3-5 जो है वो अपने सीक्वेंस आइडेंटिटी की, जो सीक्वेंस कम्प्लीमेंटेरिटी है उसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ फ्रंट टू फ्रंट, फेस टू फेस जो है वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीनेचुरेशन और एनीलिंग। ओके, अब ये जो है ग्राफ क्या बता रहा है इस पर ज़रा गौर फरमाइए। ग्राफ ये बता रहा है कि हमने एक जीनोमिक डीएनए को, किसी भी जीनोम को डीनेचर किया, मीन्स वी हीटेड इट अप टू 94 degrees C फॉर सेवरल मिनट्स, तो पूरा जीनोम डीनेचर हो गया। उसके बाद अब ये रीनेचर हो रहा है, तो अब उसका जो रीनेचुरेशन है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वो किस तरह से विद टाइम वो ये नीचे जो कंसनट्रेशन है, यानी जो एक्स एक्सेस पर आप देख रहे हैं वो उसकी कंसनट्रेशन है मोल्स में, एक्स यानी एक्स से मुराद है एनी मोल, सेकेंड्स पर लीटर, कि एक लीटर जो वॉल्यूम रिएक्शन था उसमें पर यानी सेकेंड के हिसाब से किस तरह से कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ रही है डीनेचर्ड, यानी कि रीनेचर्ड डीएनए की, जो रीनेचर हुआ मींस दोबारा से डबल स्ट्रैंड डीएनए दोबारा से रीपैक हुआ। ओके, इसमें जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है फ्रैक्शन जो है जिसमें आप ये वाला देख रहे हैं, इसमें आ रहा है कि ये हाईली रिपीटेड फ्रैक्शन है। तो हम अब देखें ये ग्राफ हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक्चुअली जब ग्राफ बना होगा तो उसने थोड़ी बताया होगा कि मैं हाईली रिपीटेड हूँ और मैं मॉडरेटली हूँ या मैं नॉन रिपीटेड हूँ। इट वाज जस्ट अ कर्व, आई मीन व्हेन वी डीनेचर्ड द डीएनए एंड देन वी मॉनिटर्ड इट्स रीनेचुरेशन रेट, कंसेंट्रेशन ऑफ द डीनेचर्ड डीएनए पर सेकेंड इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो हमने देखा कि वो एक कॉन्टीन्यूस कर्व में, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सीधी कर्व ऐसे नहीं थी, ऐसे सीधी कर्व होनी चाहिए थी असूलन, लेकिन सीधी कर्व नहीं है, बल्कि वो हुआ क्या कि ये कर्व शो कर रही है कि क्विकली डीएनए जो है वो रीनेचर हो रहा है।
और जब हम यहाँ तक गए तो नीचे नीचे होना बंद हो गया। अब देखें, अगर हमने इसको यहाँ तक सिर्फ नोट किया होता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रीनेचरेशन नहीं बढ़ रही, मजीद डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं आ रहा, तो हम ये समझ सकते थे कि सारा डीएनए जो है डीएनए क्विकली रीनेचर हो गया है और ये देखें वो और रीनेचर नहीं हो रहा। लेकिन व्हेन वी एक्सटेंडेड इट फर्दर तो हमने देखा कि थोड़ी देर बाद फिर से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बढ़ना शुरू हो गया, मीन उसकी कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। उसके बाद फिर एक ऐसी स्टेज आई कि अब कम हो, तो अपेरेंटली ऐसे लगता है कि इस स्टेज पर और इस स्टेज पर कि अब मजीद नहीं होना, बस अब जितना होना था हो गया, अब इसकी यानी कि जो पीक है वो आ गई, लेकिन उसके बाद फिर एक कार्रवाई। तो ये तीन डिफरेंट जो है स्टेजेस में इसका रीनेचर होना हमें बता रहा है कि जीनोम हैस थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए जिनका रीनेचरेशन की तरफ जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। तो अब रीनेचरेशन जो है चूंकि वो सीक्वेंस डिपेंडेंट होती है, तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि रीनेचरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्लीमेंटरिटी जो है सीक्वेंस की आमने सामने वाले स्ट्रैंड की, उसकी वजह से डीएनए रीनेचर होता है। तो बिकॉज रीनेचरेशन इज सीक्वेंस डिपेंडेंट, दैट्स वाई ये जो तीन पीक्स और ये जो तीन यानी कि डिफरेंशियल कर्व्स हैं स्टेप वाइज थ्री स्टेप्स में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट देन वी एक्सपेक्टेड और डिफरेंट देन वी न्यू इन द डीएनए सीक्वेंस। तो यहाँ से जो है वो इस बात की वेरिफिकेशन होती है कि जीनोम जो है वो तीन तरह का। अच्छा, अब हम इसको नीचे वाली को हाईली रिपीटेड क्यों कह रहे हैं? देखें, अगर कोई सीक्वेंस जो है, यानी जब हमें बाद में पता चला कि ये जो सीक्वेंस होता है जीनोम के ऊपर, व्हेन वी सीक्वेंस द जीनोम, हमें पता चला कि उसके ऊपर सीक्वेंस है वो रिपीटेड है। तो जब उसकी रीनेचुरेशन को हम स्टडी करते हैं तो चूंकि जो रिपीटेड सीक्वेंस हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो इसलिए उनका एक दूसरे को फाइंड करना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ अ सीक्वेंस सपोज ACT और उसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है TGA, अगर ये रिपीट हो रहे हों बार बार हो, यानी हज़ार बार हों या 50,000 दफ़ा हों, तो एक दूसरे को कम्प्लीमेंटेशन देने में ये क्विक होंगे एज़ कम्पेयर टू उन सीक्वेंस के जो जीनोम के ऊपर सिर्फ एक बार है। यानी एक ऐसा सीक्वेंस जो जीनोम के ऊपर सिर्फ एक बार है, तो वो वाला सीक्वेंस दूसरा उस कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखें ना एक क्रोमोसोम है, वो पूरा क्रोमोसोम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हुआ है, तो वो एग्जैक्टली उसके सामने वाला वो वाला डीएनए, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, इफ देर इज ओनली वन कापी, राइट, इफ देर आर मोर कापीज देर इज मोर चांसेस, ओके। तो इसलिए ये तीन फ्रैक्शन में जो क्विकली सबसे ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स कि वो हाईली रिपीटेड है, और जिसके सीक्वेंस रिलेटिवली उससे कम है हम उसको मॉडरेटली रिपीटेड कहते हैं। तो उसको हम सिर्फ इस फ्रैक्शन के रीनेचुरेशन होने की बुनियाद पर नहीं कह रहे, नाउ वी नो द होल जीनोम, राइट। तो लेकिन उसका बिहेवियर अगर आप आज भी लैब में करेंगे तो ऐसे ही कर्व बनेगी, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स सी कि ये हाईली रिपीटेड डीएनए क्या है, हाईली रिपीटेड डीएनए हम किसको कहते हैं? तो हमारे जीनोम के ऊपर कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, और वो रिपीट किस तरह से हो रहे होते हैं कि उनकी 100,000 कॉपीज पर जीनोम हो सकती हैं। अभी 100,000 से 10,000 भी हो सकती हैं, ठीक है, 95,000 भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि इस नंबर में इसकी रेंज होती है। तो 100,000 कॉपीज मैं कह रहा था कि पर जीनोम हो सकती हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम्स ये जीनोम का 1-10% हो सकता है, मीन्स के एक ही सीक्वेंस है और वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो अब सीक्वेंस जो है यूजली जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में होता है। आगे एक्चुअली इसकी तीन कैटेगरीज हैं जिसको हम डिटेल में देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट फ्रैगमेंट, वो जो सीक्वेंस होता है, मिसाल के तौर पर अगर वो 50 न्यूक्लियोटाइड हैं तो वो 50 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, ओवर एंड ओवर अगेन, तो उसको हम कहते हैं क्लस्टर। तो ऐसा सीक्वेंस जो बार बार रिपीट कर रहा हो अपने आप को, उसे हम कहते हैं टैंडम सीक्वेंस, या उसे हम कहते हैं टैंडम रिपीट्स, या उसे कहते हैं टैंडमली रिपीटेड सीक्वेंस, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सीक्वेंस, यानी वो जो मैंने जैसे मैंने अभी बोला 50 न्यूक्लियोटाइड, 50 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट रिपीटिंग सीक्वेंस मींस उसका सीक्वेंस का नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी क्या, हाउ मेनी टाइम्स इट इज बीइंग रिपीटेड, यानी उसका क्लस्टर कितना बड़ा है। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करते हुए आगे फिर उसकी हमने तीन कैटेगरीज डिफाइन की हैं। तो ये भी हम देखते हैं कि ये पैदा कैसे हुआ, कहाँ से आ गया ये, ओके। तो पहली कैटेगरी जो है हम उसको कहते हैं कि ये सेटेलाइट डीएनए।
सेटेलाइट डीएनए जो होता है ये 5-2 यानी 5 न्यूक्लियोटाइड से लेकर फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड का क्लस्टर हो सकता है, लाइक 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे। अब वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होगा। अब वो जो रिपीट कर रहा होगा उसका जो क्लस्टर बनेगा इस सेटेलाइट डीएनए के केस में वो मिलियन बेस पेयर क्लस्टर होगा। मीन्स उसकी फॉर एग्जांपल अगर इफ़ इट इज़ 100 न्यूक्लियोटाइड, अगर 100 न्यूक्लियोटाइड्स 100,000 टाइम्स रिपीट हो रहा हो तो मिलियंस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बन जाएंगे। अब ये जो मिलियन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये है सेटेलाइट डीएनए। अब इसको हम सेटेलाइट क्यों कहते हैं? आपको पता है हर आमतौर पर फैसलाबाद में भी है, बहुत सारे शहरों में ना एक होता है सेटेलाइट टाउन। सेटेलाइट टाउन को सेटेलाइट टाउन क्यों कहते हैं? यू नो देयर एनी प्लैनेट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सेटेलाइट। फॉर एग्जांपल मून इज आवर सेटेलाइट, दैट इज अ नेचुरल सेटेलाइट। इसके अलावा हमने आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी भेजे हुए। तो जो भी कोई मेन प्लैनेट होता है या कोई मेन बॉडी होती है उसके अतराफ में, उसके पेरिफेरल रीजन में अगर कोई स्मॉल बॉडीज होती हैं तो उनको हम कह देते हैं सेटेलाइट्स, राइट? तो इसी बुनियाद पर जब हम ये जो हमारा जीनोम होता है जब उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जल के ऊपर रन करते हैं, तो हमें मेन जो जीनोम का फ्रेगमेंट होता है उसके अलावा स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिलते हैं तो उनको हम कह देते हैं कि ये सेटेलाइट हैं। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी में जब हम कल्चर लगाते हैं तो उस कल्चर में जो कॉलोनीज होती है, फॉर एग्जाम्पल हम 16 आवर्स के बाद या ओवरनाइट कल्चर रखने के बाद जो कॉलोनी सुबह को नज़र आती हैं तो उन्हें हम कहते हैं ये हमारी कॉलोनीज हैं। तो अगर हम उसको 2-4 घंटे एक्स्ट्रा पड़े रहने दें तो हमने उसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स वगैरह डाली होती हैं उसको डिग्रेड हो जाती हैं, तो फिर छोटी छोटी माइनर सी नई कॉलोनीज निकल आती हैं तो उन्हें हम कहते हैं सेटेलाइट कॉलोनीज, राइट? तो इसी तरह किसी भी शहर, मेन शहर के थोड़ा सा 1-5 किलोमीटर बाहर हटकर अगर कोई नई कॉलोनी बनाई जाए तो उसे हम कहते हैं सेटेलाइट टाउन, राइट? तो ये सेटेलाइट का टर्म जो है, दैट्स वाई वी कॉल मून इज द सेटेलाइट ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो ये इस तरह है। तो इस डीएनए की खास बात होती है कि ये क्विकली इवॉल्व होता है, क्विकली इवॉल्व होता है। ये जंपिंग जीन्स होते हैं, दे कैन कॉपी एंड पेस्ट कॉन्टिन्यूसली देमसेल्व्स ऑन द जीनोम। तो दैट इज़ द रीज़न के वो एक फ्रेगमेंट है वो बार बार कॉपी हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि अगर 100 न्यूक्लियोटाइड्स का फ्रेगमेंट है तो वो बार बार कॉपी हो रहा है। कॉपी होने के पीछे इसके एक प्रोसेस है, पीछे आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कोर्स में पढ़ा होगा आई बिलीव, वैसे आप कहते हैं हमने नहीं पढ़ा। तो वो कॉपी होता रहता है, ट्रांसपोजिशन हम इसे कहते हैं। तो वो ट्रांसपोजेज एंजाइम होता है वो उसको, तो समटाइम्स कट एंड पेस्ट भी होते हैं जंपिंग जीन्स, लेकिन ये कॉपी पेस्ट होते हैं। तो कॉपी पेस्ट होने की वजह से, ये कॉपी पेस्ट होने से ये मुराद ये ना कि ये मेरे और आपके जीनोम में कॉपी पेस्ट होकर मिलियन कॉपीज नहीं बनाता, ये कॉपी पेस्ट होता रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट हैज़ स्प्रेड प्रोड्यूस्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑन आवर जीनोम, दैट इज़ द पॉइंट। तो हमारे लिए ये इंटरेस्ट की चीज़ है सेटेलाइट डीएनए, क्योंकि इसका एक एवोल्यूशन से ताल्लुक है, क्योंकि इट हैज़ बीन, दिस फ्रेगमेंट ऑफ द सीक्वेंस हैज़ बीन कॉपीइंग इटसेल्फ ओवर मिलियन ईयर्स एंड नाउ मिलियंस इसकी जो है ना वो कॉपीज जीनोम के ऊपर जमा हो गई हैं, ठीक है ना? तो ये एक इसका रेट है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी एवोल्यूशन। अच्छा, दूसरी चीज़, अब सेटेलाइट डीएनए का एक यानी कि जो हाईली रिपीटेड डीएनए उसका एक दूसरी फॉर्म है, उसे हम कहते हैं मिनी सेटेलाइट डीएनए। मिनी सेटेलाइट डीएनए जो है इसका जो सीक्वेंस साइज है वो 10-100 बेस पेयर तक हो सकता है, और इसका जो क्लस्टर है वो 3000 रिपीट्स का हो सकता है। अब जैसे हमने पीछे कहा कि 100 बेस पेयर, हमने इसमें बात की 100 बेस पेयर वाला सेटेलाइट डीएनए भी हो सकता है, लेकिन उसको हम सेटेलाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी मिलियन कॉपीज हैं, और यानी क्लस्टर में मिलियन बेस पेयर हो सकते हैं। इसके क्लस्टर में लाइक 3000 तक रिपीट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 1000 बेस पेयर का है और उसके 3000 रिपीट्स हैं, 3000 बार वो हो रहा होगा, तो वो 30,000 न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, मतलब मिलियंस नहीं बनेंगे। तो इसका क्लस्टर उससे छोटा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मिनी सेटेलाइट डीएनए। अब मिनी सेटेलाइट डीएनए जीनोम के ऊपर शॉर्टर, यानी कि जो टैंडम रिपीट्स बन रहे हैं, जो क्लस्टर बन रहे हैं, दे आर शॉर्टर एज कम्पेयर टू द सेटेलाइट डीएनए। दूसरी बात, ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी जो कॉपीज़ होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कम ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पेरेंट्स में इसकी कॉपी 3000 थी या 2500 थी उस सीक्वेंस की, फॉर एग्जांपल, तो मुझ में वो उससे 2-400, 300, 20, 10 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसको हम, जैसे मैंने पिछला बोल रहा था कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ओवर मिलियन ईयर्स में कॉपी पेस्ट हुआ, लेकिन ये उसकी निस्बत फास्ट है, ये नेक्स्ट जनरेशन में भी डिफरेंट हो सकता है। तो जब नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंट होगा, इट मीन्स के जो मेरे बहन भाई हैं
उनके अंदर ये डिफरेंट होगा सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस एक ही है, उस सीक्वेंस के अंदर थोड़ी बहुत म्यूटेशंस भी हैं, जाहिर है आपने पढ़ा है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड मॉलिक जो म्यूटेशंस हैं वो तो होती रहती हैं, वो तो होंगी ही होंगी। म्यूटेशंस के अलावा उसका सीक्वेंस का जो क्लस्टर है वो मुझ में और मेरे बहन भाइयों में आपस में मुख्तलिफ होगा, मेरे मामा बाबा का मुझ में मुख्तलिफ होगा। मीन्स ये एक ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन में, एक पॉपुलेशन में जो इस वक्त मौजूद है फैसलाबाद में या पाकिस्तान में, उनका किसी का भी आपस में ये मैच नहीं करेगा, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो इस सीक्वेंस की बुनियाद पर हमने वो टेक्निक डेवलप की है जिसको हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंट में हम क्या करते हैं कि जब हम चेक करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि ये टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंस है, तो इनका नंबर वेरिएबल होता है, मीन्स इनका क्लस्टर साइज डिफरेंट होता है। तो दिस इसको हम कहते हैं VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स विच वेरीज इन अ पॉपुलेशन। इवन बहन भाइयों का आपस में डिफरेंट है, माँ बाप का और उनके बच्चों का आपस में डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक, तो ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, एक सीक्वेंस नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उसकी एक एग्जाम्पल है DS1S80, ठीक है। ये एक अलील है, इस अलील की बुनियाद को मैंने, ये हमारा मार्कर हो गया, ठीक है, VNTPR के अंदर ये हमारा मार्कर है। तो इस मार्कर को हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टडी differences among the population, यानी इसको हम evolution में study नहीं कर सकते क्योंकि descendants में और इसमें quickly ये vary करता है, okay। तीसरी किस्म का जो DNA है वो है microsatellite DNA, यानी ये highly repeated DNA की तीसरी types है। तो इसको हम simple sequence repeats भी कहते हैं, SSR, right। तो इसकी, इसका जो sequence है सेटेलाइट DNA और microsatellite DNA से भी छोटा होता है, क्योंकि ये 1 से 5 base pair long होता है, प्लस इसके क्लस्टर जो होता है वो 10 से 40 बेस पर लॉन्ग होता है, और ये हमारी पूरी जीनोम में स्कैटर हुआ हुआ होता है, यानी कहीं पर भी हो सकता है, ओके। अब इसकी खास बात क्या है, ये जब, चूंकि ये पूरी जीनोम में स्कैटर हुआ होता है, तो जब हमारा जीनोम रेप्लिकेट होना होता है एक सेल से दूसरे सेल में, जब हम ग्रो होते हैं, हमारा साइज बड़ा होता है, तो हमारे सेल ज़ाहिर है उनका जीनोम रेप्लिकेट होता है, तो इट कॉजेज प्रॉब्लम विद द रेप्लिकेटिंग मशीनरी, जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स हैं उनको अपना काम सही से नहीं करने देता। तो दैट्स वाई इट चेंजेस ओवर टाइम इन द नेक्स्ट जनरेशंस। तो इस इसकी वजह से जो वेरिएशन आती है जीनोम के ऊपर, उससे हमें पता चलता है कि इसका भी एक रेट है चेंज होने का, राइट। मैं आपको यूँ समझा सकता हूँ कि अगर किसी जनरेशन को, मतलब किसी स्पीशी को जितना ज़्यादा टाइम मिला होगा ना, उतने उसके अंदर सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स जो होंगे वो कम होंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन होते होते, हर दफ़ा रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो मिस होते चले जाते हैं, तो उससे कम होते चले जाएंगे। तो जितनी कोई स्पीशी लेट इवॉल्व होगी उसके अंदर ये ज़्यादा होंगे। तो इस बुनियाद पर हमें पता चला था, हमने जब, यानी यूजिंग सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स एज मार्कर सीक्वेंसेस, वी स्टडीड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। तो हमें पता चला कि जो मॉडर्न ह्यूमन थे वो अफ्रीका में पैदा हुए थे, मींस इन अफ्रीकन जो स्पीशीज़ हैं दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द अदर स्पीशीज इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स अ सेइंग विच इज सपोर्टेड बाय द DNA सीक्वेंस और फाइलोजनी बेस्ड ऑन द सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, राइट, ओके। तो अब दूसरी किस्म का जो DNA है वो मॉडरेटली रिपीटेड DNA, ये DNA सीक्वेंस जो हैं वो यूज़ नहीं होते टू स्टडी दी एवोल्यूशनरी थिंग्स, स्पेशली के इसके अंदर राइबोसोमल RNA होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था। तो मॉडरेटली रिपीटेड DNA में ये हमारे जीनोम का तकरीबन 20 से 80% तक हो सकता है, राइट। तो ये जैसे लिखा है कि फ्यू से लेकर 10,000 टाइम्स तक हमारे जीनोम के ऊपर हो सकते हैं, और यूजली ये वो हैं जो हमारे राइबोसोमल RNAs को इनकोड करते हैं। दे इनकोड राइबोसोमल RNA, दे इनकोड ट्रांसफर RNA, दे इनकोड इन जो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट के रहे, जो जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं और लार्जर सब यूनिट्स होते हैं उनके 5S और 16S, 18S, 23S तो जो है ना सीक्वेंस होते हैं। तो ये वो DNA है जो इनको इनकोड करता है। चूँकि हमें जीनोम के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसफर RNA की बात करें, तो हमारे पास 64 हमारे जेनेटिक कोड हैं। आपको पता है हर कोड के लिए एक अमाइनो एसिड को इनकोड करता है, तो हर अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रांसफर RNA का मॉलिक्यूल होता है जो उस अमाइनो एसिड को कैरी करता है। तो हमारे पास 50 टाइप्स के डिफरेंट ट्रांसफर RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि कुछ ट्रांसफर RNA जो है उनका कोडान एंटीकोडान तो डिफरेंट होता है, लेकिन अमाइनो एसिड उनके पास सेम ही होता है। आपको पता है इस बात का कि कुछ कोडान जो है वो सेम अमाइनो एसिड को इनकोड करते हैं। तो इसलिए हमारे पास तकरीबन 50 किस्म के ट्रांसफर RNA के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो जो
50 ट्रांसफर आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो पीछे जीन्स हैं जो जिसकी वजह से वो ट्रांसफर आरएनए ट्रांसक्राइब होकर प्रोड्यूस होते हैं, वो 1000+ हैं हमारे जीनोम के ऊपर। अराउंड 1300 उसकी कॉपीज़ हैं, ट्रांसफर यानी 50 हैं तो उनकी 1300 कॉपीज़ हैं जीनोम के ऊपर, तो हम इसे कहते हैं मॉडरेटली रिपीटेड, राइट। तो इस तरह से जो राइबोसोमल आरएनए है, चूँकि हमारे सेल के पास बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स होते हैं, तो इसलिए अगर पीछे एक सीक्वेंस हो और उससे राइबोसोम, यानी फॉर एग्जांपल अगर 16S का जो डीएनए है जो 16S राइबोसोमल आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, अगर वो एक होगा तो फिर राइबोसोम सिंथेसिस होते तो आधी ज़िंदगी गुजर जाएगी एक सेल की, तो इसलिए उसकी बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं पीछे, थाउजेंड्स, 10,000 फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो कॉपीज़ हैं फिर उससे राइबोसोमल आरएनए कोड होते हैं। इसलिए सेल्स कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ राइबोसोम्स क्विकली, ओके। तो अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी स्पेशल है एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि हम इसमें स्मॉलर, मेनली जो स्मॉलर सब यूनिट्स हैं, मैं आपको पीछे बताया था पिछले लेक्चर में, जो स्मॉलर सब यूनिट्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं टू स्टडी द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तीसरा, जो मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए है, इसकी दो टाइप्स हैं, उन्हें कहते हैं रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस विद कोडिंग फंक्शंस और रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस विदाउट कोडिंग फंक्शंस या विद नॉन कोडिंग फंक्शंस। अब जो मॉडरेटली रिपीटेड विद कोडिंग फंक्शंस हैं, उसमें जीन्स इनकोडिंग राइबोसोमल आरएनएस, राइट, जीन्स इनकोडिंग हिस्टोन्स एंड आइडेंटिकल सीक्वेंसेस होते हैं ये, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ, लोकेटेड इन टेंडम एरे। टेंडम एरे आपको बता चुका हूँ कि अगर सीक्वेंस कोई बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा हो तो उसको टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इनका कोडिंग फंक्शन है, कोडिंग फंक्शन मीन के राइबोसोमल आरएनए इनकोड होता है, उसका कोई प्रोटीन तो नहीं बनता लेकिन वो राइबोसोमल आरएनए ही फंक्शनल होता है, इट एक्ट्स एज अ फंक्शनल मॉलिक्यूल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह से जो हिस्टोन्स हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं, इनका पीछे एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए के पीछे डीएनए होता है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है, तो उसके बीच जो हिस्टोन प्रोटीन्स भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं स्पेशली व्हेन सेल डिवाइड्स, तो पैकिंग के लिए, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसके भी पीछे कॉपीज होती हैं, तो वो ये भी फंक्शनल होता है, ठीक है। अब जो मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए का कुछ कंपोनेंट ऐसा है जिसका कोई कोडिंग फंक्शंस नहीं है, आई मीन दे डू नॉट इनकोड एनी प्रोटीन्स और दे नॉट अपेरेंटली, अभी लेटेस्ट स्टडी से पता चला कि ये भी कुछ ऑफ कोर्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमने इनको उनका नाम तो पहले दे चुके हैं ना, ओके। तो दे आर, इनकी खास बात ये होती है कि दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द जीनोम, दैट्स व्हाई वी कॉल देम इंटरस्पर्स्ड। इंटरस्पर्स्ड की वजह से, अब इसमें से दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं साइंस और दूसरे हैं लाइंस। साइंस से हमारी मुराद है शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स और दूसरे हैं लॉन्गर इंटरस्पर्स्ड एलिमेंट्स, लॉन्गर और शॉर्टर। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग हैं, समटाइम्स दे हैव सम रेगुलेटरी फंक्शंस, हमें उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हम एवोल्यूशनर स्टडी करने में हम इनको यूज़ नहीं करते, ओके। तो लास्ट पार्ट ऑफ द जीनोम जो रिपीटेड डीएनए की हम बात कर रहे थे, उसमें है नॉन रिपीटेड डीएनए। नॉन रिपीटेड डीएनए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द जीनोम। ये देखें, इसका जीनोम में का सिर्फ 1.5%, पहले 2% कहा जाता था, यानी आप कह लीजिए कि 1-2% जो है वो जीनोम के ऊपर होता है, राइट। तो ये क्या है, ये वो जीन्स हैं जो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं, आपकी और मेरी जो फिनोटाइप्स, आपकी और मेरी जो सारी फिजियोलॉजी है, जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने वाले जो प्रोटीन्स हैं, ऑल एंजाइम्स जितने भी हैं सभी, उनको इनकोड करने वाले जो जीन्स हैं उनकी सिंगल कॉपी होती है और या उसकी अल्टरनेटिव कॉपी होती है उसके क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर, राइट, उसको हम एलील कहते हैं। तो दे वर्क इन अ पेयर, यू नो, जीन्स वर्क इन अ पेयर, तो वो वाले जो हैं उसको हम कहते हैं नॉन रिपीटेड डीएनए। तो जो असल जो जीन्स हैं जो जेनेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो इनहेरिटेंस है प्रॉपर्टीज़ की जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आती है, जो मेंडल ने स्टडी की थी कि हर हमारे जितने भी ट्रेट्स हैं हमारी बॉडी में जो करेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पीछे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं, तो वो जीन्स जो हैं वो नॉन रिपीटेड डीएनए हैं। आप यूँ कह लीजिए कि 98% ऑफ द जीन of the genome is not included in non-repeated DNA. It is included in the either moderately repeated DNA or highly repeated DNA. So of course that component must have some functions. So wo bhi hain. So khair, it acts as a pool to provide several things on the course of the evolution. Okay. तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको पढ़ाने का स्पेशल पर्पस जो था वो ये था कि आपको रिपीटेड डीएनए और उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है एज ए मार्कर जीन। अब इफ नाउ इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा, अगर हम SSR मार्कर्स को भी डिटेल से पढ़ना शुरू कर दें, देर आर मैनी, वी वॉन्ट बी एबल टू कवर दैम इन अ कोर्स,
तो इसलिए हम तो यूट की बहुत ज़्यादा डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट कोर्सेज में. तो विद दिस आई हैव कवर्ड दी फाइलोजेनेटिक्स एंड सिस्टमेटिक्स. हमने आपको पढ़ाया पीछे कि फाइलोजनी कैसे करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं, हम उसके पीछे बैकग्राउंड में जो लॉजिक है, रैशनल जो है, वो आपको समझाया कि कैसे वो होता है. और फिर मैंने आपको सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जिनकी बुनियाद पर हम फाइलोजनी करते हैं वो बताए, और डिफरेंट मेथड्स आई मीन मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स के जो मेथड हैं उसमें तो मोलेक्युलर मार्कर्स यूज़ करते हैं ना, तो उसमें मेनली हमने आपको बताया कि 16S यूज़ करते हैं, 18S यूज़ करते हैं, और स्मॉलर सबयूनिट करते हैं, मीन्स लार्जेस्ट सबयूनिट क्यों नहीं करते. आपको ये भी बताया कि क्यों नहीं करते और वो क्यों करते हैं. तो फिर हमने आपको रिपीटेड DNA का भी बताया, ये भी ऐसे मार्कर यूज़ होते हैं. इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो मुमकिन नहीं होती सारी एक कोर्स में कवर करनी. ओके, तो वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड आवर कोर्स, राइट. तो अब मैं 3 लेक्चर और हैं जिसमें आपको मैं कुछ एक्सटिंक्ट जो स्पीशीज़ हैं ह्यूमन की उसके बारे में बताऊँगा. तो आप उनको जस्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन टू कि कैसे जो है वो ह्यूमन ने क्या कैसे कैसे फ्रॉम इंसेस्टर टू मॉडर्न ह्यूमन की तरफ हम अर्थ के ऊपर आए हैं. एक चीज़ जो मैं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर कहना चाहता हूँ कि मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो लेक्चर्स को सुन नहीं रहे हैं. फ्यू पीपल आर लिसनिंग लेक्चर्स एंड यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस. आई थिंक यू शुड आस्क सम क्वेश्चंस एट लीस्ट, राइट. ओके, गुड लक.